दोस्तों आज हम आ चुके हैं गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पर, जो दुनिया का तीसरा बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रूज लाइनर एंटारिस एक्सपीरियंस। दोस्तों आज से कुछ हफ्ते पहले कराची के खूबसूरत साहिल पर दुनिया की बड़ी तरीन क्रूज शिप्स में से एक एंटारिस एक्सपीरियंस पहुंची। लोगों ने शुरू में स्पेकुलेशन की कि पोर्ट पर जगह ना होने के बायस इसको तोड़ा जा रहा है। रियलिटी यह है कि इसको पाकिस्तान में लाया ही तोड़े जाने के लिए है, क्योंकि गडानी पर दुनिया का तीसरा बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड मौजूद है। आज की वीडियो में मैं आपको लेकर जाऊंगा गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पर, आपको दिखाऊंगा कि शिप को तोड़ा कैसे जाता है, बहरी जहाज कितने ह्यूज और कोलोसल होते हैं, और कोशिश करेंगे कि एंटारिस एक्सपीरियंस के अंदर भी जा सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों गडानी कराची शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस तक पहुंचने के लिए बेहतरीन रास्ता है लियारी एक्सप्रेसवे के थ्रू। लियारी एक्सप्रेसवे से उतर के आपने सीधा औरंगी टाउन वाली रोड की तरफ मुड़ना है, जो आपको सीधी हब शहर ले जाएगी। हब शहर क्रॉस करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पर गडानी शिप ब्रेकिंग का बोर्ड नजर आएगा। बस आपने उसी रोड पर चलते चले जाना है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड, जो दुनिया का तीसरा बड़ा शिप ब्रेकिंग का यार्ड है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे टनों के हिसाब से लोहा पड़ा हुआ है, एंड इट्स एक्चुअली अ गोल्ड माइन। यहाँ से स्क्रैप होता है, फिर पूरे पाकिस्तान में वो वेरियस डिफरेंट पर्पसेस यूज होता है। दोस्तों यहाँ पर पूरी दुनिया से शिप्स जिनकी उम्र पूरी हो जाती है, जो बूढ़ी हो जाती हैं, वो लाई जाती हैं, खरीदी जाती हैं, ताकि उनको तोड़ा जाए, स्क्रैप किया जाए और फिर उसके लोहे को बेचा जाए। इसी काम को करने के लिए पूरी दुनिया में शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। पाकिस्तान का गडानी का शिप ब्रेकिंग यार्ड पूरी दुनिया में दो फंडामेंटल रीजंस की वजह से बहुत मशहूर है। एक तो ये कि ये लेबर इंटेंसिव काम है, और पाकिस्तान में लेबर चूंकि चीप है इसीलिए ज्यादातर शिप्स यहीं आ जाती हैं। और दूसरी वो वजह है जो शायद पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं है, और वो ये कि हमारे पास पठान है। ऑलमोस्ट 100% यहाँ की लेबर पठान है, और जो जोर पठान के बाजू में है वो शायद पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं। ना सिर्फ जोर, बल्कि जब आप यहां पर आएंगे तो आपको पठानों की एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स का भी अंदाजा हो जाएगा। और ये मेरा भाई आ रहा है। आप यहां पे काम करते हो? अच्छा, तो कितने दिनों में ये शिप टूट जाता है, तोड़ते हो इसको? देखो, 4-5 महीने में। 4-5 महीने में? ये कितने महीने से आया हुआ है? 5-6 महीने। अच्छा, और आपको लेबर कितनी मिलती है एक दिन की? दिहाड़ी? हाँ, दिहाड़ी 1300। सही है, ये काम है? सही है। अरे चलो,
देखें, ये एंटारस का साइड व्यू है, एंटारस एक्सपीरियंस का। और इसके साथ ये एक और शिप है जिसके अंदर हम मौजूद हैं, जो पिछले 5 महीने से यहाँ पे मौजूद है और काफ़ी इसका काम हो चुका है। और कितना टाइम लगेगा इस पर? 3 महीने, महीना डेढ़ और लगेगा। इन सीढ़ियों से जा सकते हो? कौन सी? ये वो। किधर जाओगे? ऊपर। और ये मेरे पीछे एंटारिस एक्सपीरियंस, इट्स ह्यूज। यार मैं आई एम जस्ट एंजॉयिंग दिस टू द कोर। देखें, दिस इज अबाउट टू फॉल डाउन। ये इन्होंने कट की है शिप और ये इसको खींच रहे हैं क्रेन से, एंड दिस इज अबाउट टू फॉल डाउन। दोस्तों, हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि ये शिप ब्रेकिंग होती कैसे, सो फाइनली देख लिया है कि ये कैसे होता है। इन्होंने पहले वेल्ड करके इसको पूरा, इसका एक सांचा बनाया, उसको काटा, और फिर क्रेन ने, जो कितने हजारों हॉर्स पावर की होगी, उसके थ्रू अगर आप ये देखें, ये खींच रहे हैं इसको। ये हमारे पठान भाई खड़े हुए हैं, इफ यू सी, ये देखें, ये इसको खींच रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा है शिप का, ये यहाँ से तोड़ा है और इसको, ये अब क्रेन खींच रही है, इसको साहिल पे लेकर आएंगे और फिर इसको फर्दर डिसइंटीग्रेट करेंगे। अमेजिंग दोस्तों, नट का साइज देखिए, लुक हाउ इज ओपनिंग इट। ओह माय गॉडनेस ग्रेशियस। क्या बात है, क्या बात है खान साहब आपकी। दोस्तों आप ये इसका क्या, दोस्तों ये देखें कि नट का साइज देखें आप। ओ माय गॉड, तू तो लिफ्टर है ना, तू जरा देख कितने केजी का ये। 22 kg भाई। दोस्तों एक चीज़ आप नोटिस हमेशा करते होंगे कि हमारे मुल्क में जो भी लेबर इंटेंसिव काम है, लेबोरियस काम है, वो हमारे प्यारे पठान भाई करते हैं। और अजीब अल्लाह ने इनके हाथों में ताकत रखी है कि जितना बड़ा मर्जी काम हो, चाहे वो शिप तोड़ने का हो या घरों का काम हो, कंस्ट्रक्शन हो, नो मैटर वॉट एवर इट इज़, हमारे प्यारे पठान भाई जो है ना, जिंदाबाद। वेरी गुड यार। We'll be right back.
फिर शिप से निकलने के बाद मैंने एक सुहानी ठंडी शाम गुजारी अपनी तन्हाई के साथ। गुड बाय।